नमस्कार। आज कविता कोश में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कवि आदरणीय गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना के साथ। रचना का शीर्षक है एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। स्वर कुलदीप सिंह। दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी। हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं, चीख निकलना भी मुश्किल है, असंभव हिलना भी। भयानक है बड़े बड़े ढेरों की पहाड़ियों के नीचे दबे रहना और महसूस करते जाना पसली की टूटी हुई हड्डी। भयंकर है छाती पर वजनी टीलों को रखे हुए ऊपर के जड़ी भूत दबाव से दबा हुआ अपना स्पंद अनुभूत करते जाना, दौड़ती रुकती हुई धुकधुकी महसूस करते जाना। भीषण है, भयंकर है। वाह, क्या तजुर्बा है। छाती में गड्ढा है। पुराना मकान था, ढहना था, ढह गया। बुरा क्या हुआ, बड़े बड़े दृढ़ाकार दंभवान खंबे वे ढह पड़े। जड़ी भूत परतों में अवश्य हम दब गए, हम उनमें हार गए। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। पृथ्वी के पेट में घुसकर जब पृथ्वी के हृदय की गर्मी के द्वारा सब मिट्टी के ढेर ये चट्टान बन जाएंगे, तो उन चट्टानों की आंतरिक परतों की सतहों में चित्र उभर आएंगे हमारे चेहरे के, तन बदन के, शरीर के। अंतर की तस्वीरें उभर आएंगी संभवतः। यही एक आशा है कि मिट्टी के अंधेरे उन इतिहास स्तरों में तब हमारा भी चिन्ह रह जाएगा। नाम नहीं, कीर्ति नहीं, केवल अवशेष पृथ्वी के खोदे हुए गड्ढों में। रहस्यमय पुरुषों के पंजर और जंग खाई नोकों के अस्त्र। स्वयं की जिंदगी फॉसिल कभी नहीं रही, क्योंकि हम बागी थे उस वक्त जब रास्ता कहां था, दिखता नहीं था कोई पथ। अब तो रास्ते ही रास्ते हैं, मुक्ति के राजदूत सस्ते हैं, क्योंकि हम बागी थे। आखिर बुरा क्या हुआ, पुराना महल था, ढहना था, ढह गया। वो चिड़िया, उसका वो घोंसला जाने कहां दब गया। अंधेरे छेदों में चूहे भी मर गए। हमने तो भविष्य पहले कह रखा था कि केंचली उतारता सांप दब जाएगा अकस्मात। हमने तो भविष्य पहले कह रखा था, लेकिन अनसुनी की लोगों ने। वैसे चूंकि हम दब गए, इसलिए दुख तुम्हें भी है, मुझे भी। नक्शीदार कलात्मक कमरे भी ढह पड़े, जहां एक जमाने में चूमे गए होंठ, छाती जकड़ी गई आवेशालिंगन में, पुरानी भीतों की बास मिली हुई एक महक, तुम्हारे चुंबन की और इस कहानी का अंगाई अंग स्पर्श गया, मृत हुआ। हम एक ठहरे हुए मकान के नीचे दबे पड़े हैं।
हमने पहले कह रखा था, महल गिर जाएगा। खूबसूरत कमरों में कई बार हमारी आंखों के सामने हमारे विद्रोह के बावजूद बलात्कार किए गए। नक्शीदार कक्षों में भोले निर्व्याज नयन हिरनी से मासूम चेहरे, निर्दोष तन बदन दैत्यों की बाहों के शिकंजों में इतने अधिक जकड़े गए कि जकड़े ही जाने के सिकुड़ते हुए घेरे में वे तन मन दबलते पिघलते हुए एक भाप बन गए। एक कोहरे की में एक धुमैला भूत, एक देहहीन पुकार कमरे के भीतर और इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। आत्म चैतन्य के प्रकाश भूत बन गए। भूत बाधाग्रस्त कमरों को अंध श्याम साए साए, हमने बताई तो दंड हम ही को मिला, बागी करार दिए गए, चाटा हम ही को पड़ा, बंद तहखाने में कुओं में फेंके गए हम ही लोग। क्योंकि हमें ज्ञान था, ज्ञान अपराध बना। महल के दूसरे और कमरों में कई रहस्य, तकिए के नीचे पिस्तौल, गुप्त ड्रॉअर, गद्दियों के अंदर छिपाए सिए गए खून रंगे पात्र, महत्वपूर्ण अजीब कुछ फोटो, रहस्य पुरुष छायाएं लिखती हैं इतिहास इस महल का। अजीब संयुक्त परिवार है, औरतें व नौकर और मेहनतकश अपने ही वक्ष को खुरदुरा वृक्ष धड़ मान कर घिसती हैं, घिसते हैं अपनी ही छाती पर जबरदस्ती विष दंती भावों का सर्प मुख, विद्रोही भावों का नाग मुख। रक्त प्लुत होता है, नाग जकड़ लेता है बाहों को, किंतु वे रेखाएं मस्तक पर स्वयं नाग होती हैं, चेहरे के स्वयं भाव सरीसृप होते हैं, आंखों में जहर का नशा रंग लाता है, बहुएं मुंडेरों से कूद अरे आत्महत्या करती हैं। ऐसा मकान यदि ठह पड़ा, हवेली गिर पड़ी, महल धराशायी, तो बुरा क्या हुआ? ठीक है कि हम भी तो दब गए, हम जो विरोधी थे, कुओं तहखानों में कैद बंद, लेकिन हम इसलिए मरे कि जरूरत से ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कम, हम बागी थे। मेरे साथ खंडहर में दबी हुई अन्य दुखधुकियों, सोचो तो कि स्पंद अब पीड़ा भरा उत्तरदायित्व भार हो चला। कोशिश करो जीने की जमीन में गड़कर भी, इतने भीम जड़ी भूत टीलों के नीचे हम दबे हैं, फिर भी जी रहे हैं। सृष्टि का चमत्कार, चमत्कार प्रकृति का, जरा और फैलाए। सभी कुछ ठोस नहीं खंडेरों में, हजारों छेद करोड़ों रंध्र, पवन भी आता है, ऐसा क्यों? हवा ऐसा क्यों करती है?
ऑक्सीजन नाक से पी ले, खूब पी ले। आवाज आती है साथ में आसमान में कहीं दूर, इंद्र के ढह पड़े महल के खंडहर को, बिजली की गेतियां बफावड़े खोद खोद ढेर दूर कर रहे। कहीं से फिर एक आती आवाज, कई ढेर बिल्कुल साफ हो चुके। और तभी किसी अन्य गंभीर उद्दात आवाज ने चिल्लाकर घोषित किया, प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए एक खुला खुला धूप भरा साफ साफ खेल कूद मैदान सपाट अपार यूं बनाया जाएगा कि पता भी ना चलेगा कि कभी महल था यहां भगवान इंद्र का। हम यहां जमीन के नीचे दबे हुए हैं। गड़ी हुई अन्य दुखदुखियों खुश रहो, इसी में कि बक्षों में तुम्हारे अब बच्चे ये खेलेंगे। छाती की मटमैली जमीनी सतहों पर मैदान, धूप व खुली खुली हवा खूब हंसेगी व खेलेगी। किलकारी भरेंगे ये बालगण, लेकिन दबी धुकधुकियों सोचो तो कि अपनी ही आंखों के सामने खूब हम खेल रहे, खूब काम आए हम, आंखों के भीतर की आंखों में डूब डूब फैल गए हम लोग। आत्म विस्तार ये बेकार नहीं जाएगा। जमीन में गड़े हुए देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। सही है कि हम पहचाने नहीं जाएंगे, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है। हृदयानुभव राग अरुण गुलाबी फूल, प्रकृति के गंध कोश, काश हम बन सके, हम बन सके। धन्यवाद।